जय हिंद। सीआरपीएफ एचसीएम और एएसआई स्टोनो में फॉर्म अप्लाई करने के लिए या अनफिट ना होने के लिए वेट कितना होना चाहिए मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए? अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा और पेन नोटबुक लेके बैठिएगा। आपका जो पहले बताऊंगा हाइट के बाद में जो पहला वाला वेट बोलूंगा तो वो समझ लेना कि 18 साल उम्र वालों के लिए है। जो दूसरा शब्द बोलूंगा 19 साल वालों के लिए है। जो तीसरा शब्द बोलूंगा वो 20 साल वालों के लिए है। जो चौथा बोलूंगा वो 21 साल, पांचवा 22 साल, ऐसे 23, 24, 25, 26 वो वेट बताते चला जाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा पैमाना है। ठीक है, तो आपको इसमें पूरा स्पष्ट हो जाएगा। और जब वेट की बात है, जहां वेट जो मैं बता रहा हूं उससे आपका 2 kg कम 2 kg अधिक रहेगा तो आपका चल जाएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका हाइट के अनुसार, एज के अनुसार वेट कितना होना चाहिए जब आप नॉर्मली फिट रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो मजेदार होने वाली है। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना और एक लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में जरूर लाइक कर देना। तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट का बताऊंगा। जिन कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर है और उनकी एज 18 वर्ष है तो उनका वेट होना चाहिए 54 kg। 19 साल वाले का 55, 20 साल वाले का 56, 21 साल वाले का 57, 22 साल वाले का 58, 23 साल वाले का 59, 24 साल वाले का 60, 25 साल वाले का 61, 26 साल वाले का 62, 27 साल वाले का 63, 28 साल वाले 64, 29 साल वाले का 65। तो ये आपका है एक मानक। तो आपका भी बताया मैं 165 सेंटीमीटर हाइट वालों का। 166 जिनकी हाइट है उनका वेट 18 साल वालों का 55 kg, 19 साल वाले का 56 kg, 20 साल वाले का 57 kg, 21 साल वाले का 58 kg, 22 साल वाले का 59 kg। आप ऐसे एक एक केजी बढ़ाते चले जाइएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 67 वाले का है 56 kg, 57 kg, 58 kg, 59 kg। उसी प्रकार से 168 जिसकी हाइट है उनका वेट होना चाहिए 57, 58, 59, 60, 61, 62, इन्फिनिटी तक होना चाहिए। 169 वालों का 58, 59, 60, 61, 62, 170 वालों का 59, 60, 61, 62, 171 वालों का 60, 61, 62, 63, 172 वालों का 61, 62, 63, 64, 173 वालों का 62, 63, 64, 65, 66, 174 वालों का 63, 64, 65, 66, 175 वालों का 64, 65, 66, 67, 176 वालों का 65, 66, 67, 68, 177 वालों का 66, 67, 68, 69, 178 वालों का 67, 68, 69, 70, 179 वालों का 68, 69, 70, 71, 180 वालों का 69, 70, 71, 72। इसी प्रकार से जो मैं आपको हाइट और वेट बताया हूं उसी में एज है। जो पहला बोला हूं 18 साल वालों के लिए है, दूसरा वाला 19, तीसरा वाला 20, चौथा वाला 21, पांचवा वाला 22, ऐसे करके जितनी एज रहेगी आप उतना एक एक केजी बढ़ा लीजिएगा। ये आपका जो बीएमआई का पैमाना है जिससे आपकी भर्ती होती है, जिससे आप वैकेंसी में भर्ती हो जाते हैं। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, उनके हाइट पे कितना वेट होना चाहिए। तो एज के बारे में बता दिया हूं कि एज मैं नहीं बोलूंगा, जो पहला वर्ड बोलूंगा वो 18 साल एज वालों के लिए है, दूसरा वाला 19, तीसरा वाला 20, चौथा वाला 21। 155 हाइट वालों के लिए वेट 45, 46, 47, 48, 49। 156 वालों के लिए 46, 47, 48, 49, 50, 51, इन्फिनिटिव। 157 वालों के लिए 47, 48, 49, 50, 51। 158 वालों के लिए 48, 49, 50, 51। 159 वालों के लिए 49, 50, 51, 52, 53। 160 वालों के लिए 50, 51, 52, 53। 161 वालों के लिए 51, 52, 53, 54, 55। 162 वालों के लिए 52, 53, 54, 55, 56, 57। 163 वालों के लिए 53, 54, 55, 56, 57। 164 वालों के लिए 54, 55, 56, 57, 58, 59। 165 वालों के लिए 55, 56, 57, 58, 59। तो साथियों, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, उड़ा देना, धनाधन उड़ा देना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।